लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कौन है बे? अरे मेरे बाप अपना ट्रक मिला था क्या आत्महत्या करने के लिए? अरे काय को खोटी करता है मेरे बाप, हटना। लगता है बहुत चढ़ा लिया भाई ने, इसीलिए तो अपनी सरकार दारू बंद कर रही है। ओ भाई सड़क पे सोने वाले, अरे उठ मेरे बाप। अरे ये तो जख्मी है भाई, अरे जग्गा चल। सुनो, अरे ये तो अपनी तरह कोई राखी वाला भाई है भाई। सर रंजीत सिंह, नेशनल ताला कंपनी, खोले नंबर 3, लोहार चाल, परेल। आदमी तो शरीफ लगता है। चल बेटा जग्गा, कुछ धर्म कर्म का काम कर ही ले। कौन है तुम? मेरा नाम जग्गा है यार। मैं ट्रक लेके जा रहा था, रास्ते में तुम पड़े हुए थे। मैं तो पतली गली से खिसकने वाला था, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ पे बंदी राखी ने मुझे ब्रेक लगा दिया। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें शुक्रिया क्या बात है यार, तुम्हारी राखी को देखकर इस बात का ख्याल आया कि तुम्हारी भी कोई बहन होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी भी बहन है, बहुत प्यार करती मुझसे। यही आलम है मेरी बहन का भी, बहुत प्यार करती है मुझसे। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी दुर्गत किसने बनाई? अपने ही दोस्तों की मेहरबानी समझो। दोस्त? अरे तुम दोस्त कहते हो ऐसे आदमियों को? अरे उनकी तो डिबरी टाइट कर देनी चाहिए, डिबरी। तुम आदमी बड़े दिलचस्प लगते हो। अरे मुझे छोड़ो यार, आदमी तो तुम फर्स्ट क्लास हो। देखो इतनी मार खाई तुमने, इतना खून बह रहा है तुम्हारा, फिर भी तुम हंसे जा रहे हो। अच्छा मुझे जो आदमी अच्छा लगता है ना, मैं उसे फौरन दोस्त बना लेता हूँ। दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ जाऊं मुझे बहुत खुशी होगी। मुन्नी, अरे कहाँ छुपी है बंदरिया? मुन्नी, ओ मुन्नी! बंदरिया आज फिर तूने मुझे धोखा दे दिया, तुझे कैसे मालूम पड़ा मैं आ रहा हूँ? असली बहन हूँ और बहन अपनी भाई के आहट को अच्छी तरह पहचानती है। अरे जा जा, ताला खुलने की आवाज सुन ली होगी तूने। अच्छा सुन, जरा आके बंद कर। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारी मेरी कुत्ती। क्यों क्यों क्यों? अरे रास्ते मुझे थोड़ी सी देर हो गई, एक धर्म कर्म के काम में फंस गया था मैं, और तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें पतरा गई। अच्छा मैं तेरी आंखें अभी ठीक कर देता हूँ, तू आंखें बंद कर। क्यों? अरे बाबा बंद करना। अच्छा मुन्नी आंखें मत खोलना। हाँ आप खोल। हाँ? हाँ ये हमारी माँ की निशानी, तेरे लिए संभाल के रखी थी मैंने। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है, लेकिन मुझे तो उसी वक्त अच्छी लगेगी जब दुल्हन बन के सजेगी तू। फिर वही बात भैया, तुम मुझे हमेशा घर से बाहर निकालने की सोचते हो। अगर मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ तो कह दो, किसी दिन जहर खाकर मर जाऊंगी। ए मुन्नी खबरदार ऐसी बातें मत करना। अगली मैंने तुझे भाई की तरह नहीं माँ बाप की तरह पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, और सोते जागते मुन्नी एक ही ख्वाब देखा। कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से सजाऊंगा, खुशी की शहनाइयों के बीच उसके हाथ पीले करूंगा, इस घर की चौखट पर घोड़े पर सवार एक दूल्हा आएगा, और मैं बाबुल की दुआओं के साथ अपने खजाने को उसकी झोली में डाल दूंगा। भैया नहीं, भैया नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पोस्टमैन
जा मुन्नी, देख किसकी चिट्ठी, जा। किसकी चिट्ठी है मुन्नी? किसी पूना वाले रघुनाथ जी की। अरे पढ़ 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 जल्दी पढ़ जल्दी। लिखा है श्रीमान जगन्नाथ जी को मेरी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपकी चिट्ठी मिली, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। साथ में आपकी बहन की तस्वीर भी मिली, बहुत अच्छी लगी। आगे पढ़ आगे पढ़ आगे पढ़। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे आगे पढ़। अरे चिट्ठी देती जा मुझे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है मत दे, हम भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। और क्या लिखा होगा चिट्ठी में? यही लिखा होगा ना, आपकी बहन की तस्वीर बहुत अच्छी लगी, रिश्ता हमें मंजूर है, आप फौरन आके बात पक्की कीजिए। तो मैं चला। अरे भाई जगन्नाथ, लगता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। रक्षाबंधन तो खत्म हो चुका, तुम अभी तक राखी बांधे हो। जी, बात यह है कि मैं अपनी बहन से वाकई बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए राखी कभी अपने हाथ से उतारता नहीं। जब तक ये राखी मेरे हाथ में बंधी रहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन मेरे पास है। आप तो जानते हैं मैंने उसे भाई की तरह नहीं बाप की तरह पाला। मैं जानता हूं बेटा, इसलिए उस दोस्ती के रिश्ते को जो तुम्हारे पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद टूट गया था, मुन्नी के साथ अपने बेटे की शादी करके वापिस जोड़ना चाहता हूं। लो, वो शंकर भी आ गया। नमस्ते शंकर बाबू। तुम आपस में बातें करो, मैं आता हूं। जी, और कैसे शंकर बाबू? अच्छे, तो आप ही हैं वो ट्रक ड्राइवर जो मेरी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना चाहते हैं? ब्रेक? और नहीं तो क्या, इस देश में लड़कों का अकाल पड़ गया था क्या? आखिर इसी घर में रिश्ता भेजने की क्या जरूरत थी आपको? शंकर बाबू मैं समझा नहीं, वो क्या है कि आपके पिताजी की इच्छा थी। इतनी पिताजी की इच्छा थी तो खुश शादी कर ले, मुझे क्यों फांस रहे हैं? देखिए ये बाप बेटों का मामला है, मैं बीच में दखल नहीं दे सकता, लेकिन घर में बुला के इस तरह का व्यवहार करना। व्यवहार? ये तो मेरी शराफत है कि मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूं, वरना मैं घूर क्यों रहे हैं? आप क्या समझते हैं मैं आपसे डर जाऊंगा? और आप ये दोस्ती बहन जो मेरे बारे में जो कुछ कहना कह लो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बहन के बारे में अगर कुछ कहा तो आप क्या कर लेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर जगन्नाथ, अगर आप अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं तो आपको वही सुनना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। क्यों सुनना पड़ेगा? इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका होने वाला जीजा हूं। डरा दिया तो शंकर बाबू। मुन्नी, ओ मुन्नी, 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 मुन्नी। मुन्नी 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 क्या हुआ मुन्नी? मुन्नी मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी मुन्नी सुन, मैं तेरी शादी पक्की करा हूं मुन्नी, मुन्नी 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 कुछ बोल, मुन्नी मुन्नी बोल, मुन्नी बोल, बोल मुन्नी बोल। मुझे माफ करना भैया, भगवान न करे कोई बहन तुम्हारी इस बहन की तरह अभागी निकले। भैया इस संसार में जहाँ तुम जैसे देवता रहते हैं वहाँ कुछ दरिंदे भी रहते हैं। तुम्हें सौगंध है अपनी बहन की, वासना की भूखे ऐसे दरिंदों से बेबस बहनों की रक्षा करना भैया, तुम्हारी मुन्नी। जिसने भी इस पावन रिश्ते की है दुनिया लूटी, समझ लो उस पापी के सर पे आज कयामत टूटी। कांप उठा धरती का सीना,
इंद्र सिंहासन डोले, चिता के अंगारों से उठे इंतकाम के शोले, इंतकाम के शोले, इंतकाम के शोले, बहन की मौत का बदला लूंगा, राखी की सौगंध, राखी की सौगंध, राखी की सौगंध, जगन्नाथ। शंकर माफ करना शंकर, मेरी बहन मेरा दिया वो वचन निभा नहीं सकी। उसके साथ जिन दरिंदों ने ये सब कुछ किया है, मैं उन्हें उनकी करने की सजा जरूर दिलवाऊंगा, इसलिए केस मैंने अपने हाथ में लिया है। डीएसपी ऑन द लाइन सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। जी बेहतर है, मैं भी हाजिर होता हूं।